करती। श्री रामविलास पासवान, अध्यक्ष जी, ये अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, चर्चा ऊपर क्यों नहीं करते? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत जगहों पर इसका कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। खास करके मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के संबंध में कह सकता हूं, हाजीपुर जो है पटना के बगल में है, लेकिन तीन फेज हो गया है, 1 किलोमीटर सड़क भी, 1 किलोमीटर। मैं दावे के समय अभी गया था, चूंकि अब तो MP के लोगों को ही अच्छा हुआ कि बना दिया है आपने मॉनिटरिंग कमेटी का चेयरमैन, 1 किलोमीटर भी सड़क जो है अभी तक इस योजना के अंतर्गत हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो नहीं बना है। और बात कहा जा रहा है, ये जब पूछते हैं तो कहा जाता है साहब गाइडलाइंस ऐसे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं आ रहा है, तो ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि बिहार में पिछले कुल मिलाकर के अभी तक कितनी राशि आवंटित की गई है, नंबर एक, कितना राशि उसमें से खर्चा हुआ है, कितने किलोमीटर रोड के लिए किया गया, कितने किलोमीटर रोड में बना है, और क्या आपको लगता है कि गाइडलाइंस को भी चेंज करने की आवश्यकता है? जहां तक बिहार का संबंध है, सचमुच ये विषय बहुत चिंता का है। 2000 में पहले साल में बिहार राज्य को हमने 149.90 करोड़ रुपया दिया था और 149.90 करोड़ रुपया रिलीज भी कर दिया था सन 2000 के अंदर। इसमें 298 सड़कें बननी थी, नंबर ऑफ रोड्स कंप्लीटेड हमारे पास जो रिपोर्ट है वो 0, कंप्लीटेड रोड वर्क 0, एक्सपेंडिचर ये जो टोटल हमने 150 करोड़ रुपया दिया है, इसमें से जनवरी 2003 तक 39 करोड़ रुपया खर्च होने का सूचना हमारे पास है, लेकिन सड़क कोई कंप्लीट नहीं हुई है। और अध्यक्ष जी, ये भी चिंता का विषय है कि इस वर्ष बिहार राज्य हमसे एक भी पैसा नहीं ले पाया। कारण उसका यह है कि शर्त यह है कि नई किस्त लेने के लिए टोटल अवेलेबल फंड्स जो प्रदेश के पास थे उसमें से 60% खर्च किया हुआ होना चाहिए और पिछले वर्ष की सड़कों में से 80% सड़कों को पूरा करना चाहिए। बिहार ने कोई शर्त पूरी नहीं की, इसलिए इस साल एक भी पैसा हम बिहार को नहीं दे पाए। प्रधानमंत्री नाम क्यों रखा सर? ये प्रधानमंत्री सड़क योजना नाम क्यों रखा गया इसका? ये मुख्यमंत्री सड़क योजना रहना चाहिए था नाम, ये प्रधानमंत्री सड़क योजना नाम क्यों रख दिया आपने सर? सर ऐसी स्थिति में क्या किया जाए इसके अंदर? क्या मतलब मंत्री जी खुद रोलर बन के घूमे? यहाँ जो प्रश्न उठाया है कि सर ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना, रामविलास जी मैं बोल रहा हूँ, यदि राज्य सरकार ठीक तरीके से काम नहीं कर सकता है, उनकी भी कुछ अड़चन हो सकती है, तो ऐसे समय लोकसभा के सदस्य को मदद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यह प्रश्न पूछा गया है। अध्यक्ष जी, आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है, विभाग को भी इसकी बहुत चिंता है। इस संबंध में अधिकारी स्तर पर एक दो बैठकें हो चुकी हैं, कुछ मान्य सदस्यों से भी चर्चा हुई है, और हम फिर मैं स्वयं बिहार जा रहा हूं अगले 15 दिन के अंदर अंदर, और मैंने तय ये किया है कि वहां के मान्य सांसदों को बुलाकर हम चर्चा करेंगे। दो ही विकल्प हैं, या तो राज्य सरकार सड़कों का निर्माण करे, या फिर राज्य सरकार और सांसद सुजेस्ट करें कि भारत सरकार की कोई एजेंसी जो सड़कों का निर्माण करती है उसके द्वारा सड़कों का निर्माण करें, तो हम तैयार। भारत यदि राज्य सरकार और वहां के सांसद इस प्रकार की अनुमति देंगे तो भारत सरकार किसी केंद्रीय सरकार की एजेंसी के द्वारा बिहार की सड़कों का निर्माण करने के लिए हम व्यवस्था करेंगे। सर, सर, महेश स्वामी, स्पीकर सर, मैंने महेश स्वामी, उसके बाद आप